सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस साइड महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो बेटा आप लोग? अब ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, घबराना, यहाँ हो जाता है लो प्रेशर, यहाँ होता है हाई प्रेशर। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ। एक बार देख, आज हम कुछ टाइप से रिलेटेड क्लास द लाइव एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। देखो जितने जितने एंगल पर मैंने फेंका उतने एंगल पर वापस मेरे हाथ में आ जाएगी। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर लेक्चर 2। आज सेकंड लेक्चर है और आज हम माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल यूसेज में किस तरह से लिया जाता है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। वैसे तो अगर हम माइक्रोब्स वाले चैप्टर की बात करते हैं तो आप लोग इसको हमेशा बड़ा सिंपल चैप्टर समझते हैं, आई नो दैट, क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं, डायरेक्ट माइक्रोब्स के बारे में इनके नाम दिए हुए हैं। लेकिन जब तक आपको पूरे के पूरे प्रोसेसेस समझ में नहीं आ जाते तब तक याद रखना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि एक होता तरीका कि याद कर लिया, किसी भी चीज को याद कर लिया बिना समझे, वो नहीं करना है, समझना है और फिर समझ करके उनको दिमाग में रखना है, यानी कि एक तरह का कनेक्शन जुड़ जाता है आपके माइंड में। तो चलिए बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ ही लेक्चर्स का चैप्टर है, तो इसको डिटेल में समझते हैं और इसमें से प्रश्न आने की संभावना रहती ही रहती है, एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं इस चैप्टर से। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का। देख लेता हूं एक बार कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं। शिवांशु, संजीत, अमित, संजना, डॉक्टर प्रजापति, जीनियस, क्या बात है, फातिमा, देन तनय ने ज्वाइन कर लिया है, अनन्या आ चुकी है, प्रभात, तेजस्विनी, कोमल, स्वागत है बच्चों आप सभी का। तो पहले करते हैं सेशन की शुरुआत और उसके बाद आज सेशन के आखिरी में आपके साथ 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको कोड दे दूंगा, आप अनअकैडमी क्विज के थ्रू से उन क्वेश्चंस को करें, क्योंकि कल भी आपने देखा कि अगर हम सेशन के साथ साथ करते हैं दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन सेशन के टाइम को कम नहीं करना है किसी भी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग उनको करते रहिएगा। फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, माय नेम इज प्रदीप सिंह, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये सारी की सारी चीजें हैं सेकेंडरी, आप हैं प्राइमरी, एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू द सेशंस आर रनिंग। तो बच्चों #NEETLiveDaily के थ्रू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया करें सारे के सारे लेक्चर्स को, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। बच्चों एक और बेहतरीन फीचर, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को करें इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद जाइए ब्राउजर पर और टाइप करिए livedaily.me/chat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, सारे अपडेट आपको मिलने लग जाते हैं। एक और बेहतरीन फीचर livedaily.me/NEET, ये वो फीचर है, इसके थ्रू आप अपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट पीडीएफ नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहां पर मिलती हैं स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस आपको, और वो भी कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू। यू कैन इंटरेक्ट विद अस लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे बेहतरीन फीचर आपको यहां पर मिलते हैं। ये रहे हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज जो कि ऑलरेडी रनिंग है। इसके अलावा मेरा एक और कोर्स चल रहा है मॉर्निंग आवर्स में, 12 आफ्टरनून से 1 PM तक, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी कोर्स ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए NEET 2021 एस्पायरेंट के लिए कराया जा रहा है। 2022 के बच्चे भी जुड़ सकते हैं, एक दिन 11th होता है, एक दिन 12th होता है। तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, सिलेक्ट कर लीजिए नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन पर। जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाती है, यहां अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर लीजिए। 9th, 10th, 11th के बच्चों के लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही बेहतर रहता है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। देख लीजिए एट जस्ट 1500 rupees पर मंथ के हिसाब से आप जुड़ सकते हैं एंड कंप्लीट ड्यूरेशन तक के लिए जुड़ जाते हैं। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव,
मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलता है। बच्चों प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है, वो प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। जिन बच्चों को जुड़ना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ वो जल्दी जुड़े और यूज करिए कोड प्रदीप लाइफ। एक और बेहतरीन फीचर अनअकैडमी चैंपियंस लीग आ चुका है आपके समक्ष, सो कीप स्कोरिंग कीप विनिंग। चलिए माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री के ऊपर आज का हमारा सेशन। विशी, शिवांशु, अंशिका, गौरव, दीपू, खुशी, सुप्रिया, बहुत बहुत स्वागत बच्चों आप सभी का। कोशिश आज भी मेरी यही है कि आपको कुछ ऐसी चीजें आज के सेशन के माध्यम से भी मिले ताकि आपको इस चैप्टर को याद रखने में आसानी हो। तो चलिए पहुंच जाते हैं इंडस्ट्रीज में, जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल कल्चरिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए किया जाता है। तो इस तरह की हाईटेक लैब्स की आवश्यकता होती है बच्चों। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि माइक्रोब्स को फर्मेंटर के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है, और ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल केमिकल है सब फर्मेंटेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ को फर्मेंटेशन का ही नाम दिया जाता है। माइक्रोबियल ग्रोथ यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस को किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल करना है, इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू, ये देख लीजिए, हालांकि इस चैप्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी मिलेगी। अभिप्री, यस बच्चे स्वागत है, राखी, मिस्टर के ए, आगे और भी कई लब्ज हैं, अल्फाबेट्स हैं, तो वो अल्फाबेट्स मैं नहीं कहना चाहता। चलिए ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, आप सबको देख लीजिए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में किस तरह से माइक्रोब को बखूबी यूज किया जाता है। दीपू आप भी ध्यान दीजिए यहां पर जो सेशन चल रहा है। गोल्डी, यस बच्चे गुड इवनिंग। डॉक्टर प्रजापति गुड इवनिंग। उस्मान, दीपा, सारे बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इनके बारे में। माइक्रोब्स को इंडस्ट्री में कैसे कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। सिडशो मुखर्जी आ चुके हैं, शिवांशु, द बिजी गर्ल, नफीस, काफी टाइम के बाद आपका नाम दिखा, ओमकार, हूर फातिमा, अनमोल, चलिए हमारे सारे पुराने बच्चे आ गए हैं, नए बच्चे भी आ चुके हैं, लोकेंद्र, सुम्बुल, संजना, राखी, शाहिद, गरिमा, ठीक है। तो आज का जो चैलेंज है बच्चों, इस टॉपिक के बाद मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा क्विज में, अनअकैडमी क्विज में, और आज मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के ही क्वेश्चन दूंगा। तो मुझे देखना यह है कि आप इन दोनों लेक्चर से कितना रिकॉल कर पाते हैं। अगर ट्रूली स्पीकिंग बोला जाए तो इस चैप्टर में अब जो है वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक ही हमें सीखनी है, क्योंकि कल के सेशन में हमने हाउस होल्ड माइक्रोब के बारे में जान लिया, आज हम जानेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब, और उसके बाद ही 10 क्वेश्चन की एक क्विज करेंगे आपके साथ। सो लेट मी सी हाउ मच यू कैन स्कोर इन दैट क्विज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल, बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि दवाइयां हो गई, इस तरह की चीजें, और भी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, वो माइक्रोब से ही बनाए जाते हैं। सो देयर आर क्वाइट एन नंबर ऑफ पावरफुल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन बेनिफिशियल एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोब। पूरी की पूरी फैक्ट्री यूनिट, पूरी की पूरी इंडस्ट्री माइक्रोब के ऊपर ही बेस्ड है, राइट? सो दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन इनॉर्मस अमाउंट। बहुत से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? दवाइयों का प्रोडक्शन होता है, माइक्रोब्स को यूज करके बहुत तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस भी आपको पता है, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लिकर इंडस्ट्री जिसको कहते हैं। हालांकि हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद चीज नहीं है ये, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड है इस चीज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक बार इनकी जरा लिस्ट देख लें। देखिए बच्चों, अल्कोहलिक बेवरेजेस भी होते हैं। तो अब देखिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में हमने टॉडी के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन किया, है ना। तो ये जो है ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, तो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स तो हाउस होल्ड सेटअप में ही बन जाते हैं, लेकिन जहां बात आती है हाई क्वालिटी अल्कोहलिक बेवरेजेस की, जो डिस्टिलरी में डिस्टिल किए जाते हैं, प्यूरिफाई किए जाते हैं, बॉटल में पैक किए जाते हैं, वो तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्रूट जूसेस वगैरह जो होते हैं, इनमें भी कई तरह के
माइक्रोबियल प्रोडक्ट को डाल करके उनकी क्लीनिंग करी जाती है। तो ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए। ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं बहुत तरह के, जिनका बड़ा भारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इसके अलावा बहुत तरह के एंजाइम बनाए जाते हैं, विटामिंस बनाए जाते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं, अमीनो एसिड, एंटीबायोटिक और वैक्सीन भी बनते हैं। नाउ अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी कि फर्मेंटेशन। सो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल इट रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। इसमें माइक्रोब को बहुत बड़े बड़े यंत्रों में ग्रो कराया जाता है जिनको फर्मेंटर कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आप फर्मेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टीयर टैंक, बायोरिएक्टर या फर्मेंटर एक ही चीज हो गई। तो बहुत बड़े बड़े वेसल्स में यूज किया जाता है और उसका क्वालिटी कंट्रोल होना बड़ा ही आवश्यक है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ये रिसर्च वर्कर अल्कोहल की क्वालिटी टेस्ट में बिजी है, उनके चेक कर रही है कि कितना परसेंटेज अल्कोहल कंटेंट है उसमें। ठीक है, तो इसको जांचना भी बहुत जरूरी है। जांचने के बाद ही समझ में आएगा कि वाकई में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑप्टिमम है या नहीं। देख लीजिए, यहां पर छोटी छोटी मशीनें रखी हुई हैं और ये अपने टैब में यानी कि कंप्यूटर की सहायता से यहाँ पूरा का पूरा एनालिसिस आ रहा है। ये मशीन है जिसके साथ टेस्टिंग करी जा रही है और ये उसकी प्रोसेसिंग यूनिट है और छोटी छोटी शीशियां आप रखी हुई हैं, आप देख रहे हैं। एंड देयर इज दिस टैब जिसमें ये रिसर्च वर्कर अपना डेटा देख रही है ताकि इनको पता चले कौन कौन सी चीजें यहां पर किस किस लेवल पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो मेनली इसमें अल्कोहल का परसेंटेज नापा जाता है। इसके साथ साथ कोई और इंप्यूरिटीज वगैरह हैं या नहीं ये देखा जाता है। ये देख लीजिए बच्चों, तो ये है पूरा का पूरा सेटअप जिसको बड़े बड़े फर्मेंटर्स, बायोरिएक्टर्स कह सकते हैं। इनके अंदर ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, कल्चर मीडियम है, पीएच प्रोब है, टेम्परेचर प्रोब है, एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए है, स्टीयरर भी है, एंटी फोमिंग एजेंट है, इनोकुलेशन पाइप है, हार्वेस्टिंग पाइप है, स्टेराइल एयरलाइन है। अब आप सोच रहे होंगे ये इतनी सारी जटिल चीजें कैसे याद होंगी। तो इस चैप्टर में तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं बायोरिएक्टर, लेकिन ये बायोरिएक्टर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये डायग्राम, इस डायग्राम का जिक्र बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में दिया हुआ है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप अलग अलग टाइप के बायोरिएक्टर्स को देखते हैं, समझ में आई बात। तो ये देख लीजिए, इसके बारे में बेसिक सेटअप मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। देखिए, इसमें एक स्टीयरर लगा हुआ है, यानी कि इसके एजिटेशन से अंदर के लिक्विड को आप चर्निंग कर सकते हैं, राउंड राउंड घुमा सकते हैं। पीएच प्रोब लगा हुआ है जिससे पीएच कितना मेंटेन हो रहा है उस पीएच को कैलकुलेट किया जा सकता है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है इसलिए टेम्परेचर प्रोब थर्मामीटर लगा हुआ है। ऑक्सीजन सेंसर, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो माइक्रोब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं उनमें फिर ग्रोथ कम हो जाएगी, राइट। इनोकुलेशन पाइप, किसी भी सब्सटेंस को अगर इसके अंदर डालना है तो इनोकुलेशन पाइप के थ्रू डाला जाएगा। एंटी फोम एजेंट क्या होता है, जब मान लीजिए स्टीयरिंग करें ऊपर झाग सा बन गया तो एंटी फोम से केमिकल्स डाल करके या उसको निकाल करके एडजस्ट किया जा सकता है। यहां से सैंपलिंग पॉइंट जहां देख रहे हैं आप, यहां से सैंपल कलेक्ट किए जा सकते हैं। और कॉम्प्रेस्ड एयर इनलेट इसलिए है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे। इसके अंदर देखिए कॉम्प्रेस्ड एयर इनलेट यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहनी चाहिए। और फाइनली हार्वेस्टिंग पाइप का मतलब क्या, जब फिनिश प्रोडक्ट बन गया तो यहां से उसको निकाल लीजिए, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर भी लगे हुए हैं। तो ये एक बेसिक सा लेआउट आपको दिखा दिया गया, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है इसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। नाउ अल्कोहलिक बेवरेजेस, अलग अलग टाइप के ईस्ट से यूज किए जाते हैं, ईस्ट स्पीशीज यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस आर। देखिए बच्चों, सैक्रोमाइसेस सेरिवाइसे को ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, इसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। सैक्रोमाइसेस सेरिवाइसे सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेड के फॉर्मेशन में और जनरली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इसका यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन इसी की एक दूसरी स्पीशीज सैक्रोमाइसेस, ये देख लीजिए सेकेंड स्पीशीज सैक्रोमाइसेस एलिप्सोइडियस, इट इज नोन एज वाइन ईस्ट, ये वाइन का प्रोडक्शन करता है ये ईस्ट। देन वी हैव सैक्रोमाइसेस सेक। सैक्रोमाइसेस सेक क्या करता है, सेक एक तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक है, उसके प्रोडक्शन में यूटिलाइज होता है सैक्रोमाइसेस सेक। एंड देन वी हैव सैक्रोमाइसेस पायरी फॉर्मिस, इससे जिंजर बियर या एल ईस्ट कहा जाता है। तो अलग अलग टाइप के ईस्ट हैं।
बट जीनस तो सेम ही है, सैकरोमाइसिस ही है, स्पीशीज अलग अलग हैं। तो इनके नाम अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट चांसेस कम रहते हैं कि अलग अलग स्पीशीज के बारे में पूछा जाए, बट यू नेवर नो, कभी भी पूछा जा सकता है। फर्मेंटेड राई को यूज किया जाता है जिन बनाने के लिए। जिन एक तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक है, उसमें फर्मेंटेड राई को यूज किया जाता है। राई यानी कि सिकेल सीरियल, इसके बारे में हमने जिक्र किया हुआ है। तो इस ग्रेन को यूज करके जिन का प्रोडक्शन होता है। तो ये है सारे के सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जिनका फॉर्मेशन होता है। नाउ फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए और भी कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं। फर्मेंटेड राइस को यूज किया जाता है। राइस से जिन बनता है, राइस से सेक बनता है, कैजू एप्पल से फैनी बनाया जाता है, और पोटैटो से वोडका बनता है जो कि रशिया में बड़ा फेमस है। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब ये कैजू एप्पल क्या चीज है बच्चों, देखिए कैजू यानी कि काजू जिसको कहते हैं वो एक तरह का नट है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा मोटा सा थैलमस रहता है। ये पोर्शन आप देख लीजिए, तो दिस रेड कलर्ड थैलमस जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, दिस थैलमस इज क्वाइट जूसी। इसको कैजू एप्पल कहा जाता है, इसको लोग खाते भी हैं। जिन इलाकों में कैजू का प्रोडक्शन होता है वहां पर खाते हैं। मुक्ति पूछ रही है राई क्या है। राई एक तरह का ग्रेन है जो हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। जैसे बार्ली जिसको जौ कहते हैं हिंदी में, तो हॉर्डियम वल्गेर बार्ली, और वीट है ट्रिटिका मैस्टिवम, राई है सिकेल सीरियल। ये तीनों के तीनों एक ही प्रजाति के मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं, मिलते जुलते ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं। अगर मैं बात करूं कि राई के आटे की, तो राई का जो आटा है वो बड़ा महंगा है, करीब 600-700 रुपए किलो के हिसाब से वो मिलता है। इसके बारे में भी हमने चर्चा करी हुई है सेशंस में, अपने डिफरेंट सेशन में चर्चा करी हुई है। ठीक है, तो कैजू एप्पल यानी कि ये जो जूसी पार्ट है एप्पल, ये कैजू का, और ये नीचे का जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये कैजू नट है। इसके अंदर कैजू है, ये ऊपर की कवरिंग है। इसको रोस्ट करके निकाल लिया जाता है। अब कैजू एप्पल जो है वो एक तरह का एडिबल एप्पल टाइप का ही है, एप्पल नहीं है लेकिन एप्पल जैसा ही डिजाइन है। अगर मैं बात करूं कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो कैजू एनाकार्डियेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि मैंगो की फैमिली है। एनाकार्डियेसी फैमिली मैंगो की फैमिली, आम के परिवार का ही सदस्य है काजू, कैजू का प्लांट। तो कैजू में भी वैसे अल्कलॉइड होते हैं जो आपने देखे होंगे, कच्चे आम को अगर पेड़ से तोड़ लिया जाए उसमें एक तरह का जूस निकलता है। अगर वो जूस स्किन में कहीं लग जाए तो वहां पर जो है छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, ड्राई स्कार टाइप का पड़ जाता है। ऐसे ही कैजू भी बड़ा खतरनाक है। कैजू का ये जो आपको नट मैं बता रहा हूं, ये जो कैजू नट आप यहां पर देख रहे हैं, इस कैजू नट को अगर ठीक से रोस्ट ना किया जाए, कच्ची अवस्था में इसको आप दांतों से तोड़ करके निकालने की कोशिश करें, तो इसमें भी एक तरह का एल्कलॉइड निकलता है जो आपके मुंह के अंदर की स्किन को भी जला सकता है। जलाने का मतलब आग नहीं लग जाएगी, बट जैसे एसिड से बर्न हो जाता है, एसिड अगर कहीं गिर गई तो बर्न होता है ना, वैसे ही बर्न हो जाता है। इसको मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ है तो तभी मैं आपको बता सकता हूं। पोटैटो को जो है वोडका बनाने के काम में लाया जाता है। बच्चों ये सेक हो या फैनी हो या वोडका हो, ये सब अल्कोहलिक ड्रिंक हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक है, चाहे वो जिन हो। जिन देख लीजिए, जिन कैसे बनता है, फर्मेंटेड राई यूज किया जाता है जिन के लिए, है ना। सो हैव अ लुक हियर, जिन को फर्मेंटेड राई से बनाया जाता है, राई के बारे में बता दिया, सिकेल सीरियल। सेक के लिए फर्मेंटेड राइस यानी कि ओराइजा सेटाइवा यूज किया जाता है। कैजू एप्पल फैनी के लिए यूज किया जाता है। पोटैटो यूज किया जाता है वोडका बनाने के लिए। सीरियल्स को यूज किया जाता है विस्की बनाने के लिए। सीरियल्स यानी कि ग्रेन जो होते हैं हमारे ग्रेन्स, उन सीरियल्स को यूज करके विस्की का प्रोडक्शन होता है बच्चों। विस्की का प्रोडक्शन सीरियल्स को फर्मेंट करके बनाया जाता है। मोलैशस के लिए को यूज किया जाता है रम बनाने के लिए। मोलैशस क्या होते हैं, शुगर फैक्ट्री से जो शुगर केस के जूस की जो फ्रॉदिंग होती है, तो शुगर फैक्ट्री में मोलैसेस का प्रोडक्शन होता है। उन मोलैसेस को यूज करके रम बनाया जाता है। तो देख लीजिए, विस्की के लिए सीरियल्स, मोलैसेस रम के लिए यूज करते हैं, और फर्मेंटेड जूसेस फॉर वाइन एंड ब्रांडी। वाइन और ब्रांडी के लिए फर्मेंटेड जूसेस, यानी कि देख लीजिए अंगूर, ये अंगूर का फर्मेंटेशन किया जाता है शैंपेन के लिए। तो जो अंगूर हैं वो सबसे ज्यादा शैंपेन के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। और प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस तरह की फैक्ट्री यूनिट में इनका प्रोडक्शन होता है। यानी कि कोई चाहे कि अपने घर में इतनी बड़ी डिस्टिलरी लगा ले तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे हमारे रहे फर्मेंटेड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में।
एंटीबायोटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो अध्याय है इसमें आपको बहुत सी एंटीबायोटिक्स के बारे में पता चलने वाला है और आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से माइक्रोब कैसी कैसी एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो नाउ इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंटीबायोटिक है क्या? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको माइक्रोब्स ही बनाते हैं एंड इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और किल अनादर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को किल करने के लिए एंटीबायोटिक को यूज करते हैं। एंटीबायोटिक की शुरुआत कैसे हुई? एंटीबायोटिक की डिस्कवरी तो बच्चों एक्सीडेंटल थी, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा, बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, फिर उन्होंने देखा कि ग्रोथ हो गई फंगस की और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, फंगस की ग्रो होने की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। इसका मतलब है फंगस ने कोई केमिकल प्रोड्यूस किया जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। समझ में आई बात? सो इट इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इनहिबिट द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द होस्ट। तो एंटीबायोटिक होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। यानी कि एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरिया के लिए काम करता है, अगर हम खाते हैं उस एंटीबायोटिक तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बैक्टीरिया को नुकसान होगा क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही स्पेसिफिक है अपने टारगेट को लेकर के। सो लेट्स नो अबाउट द फर्स्ट एंटीबायोटिक। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। फर्स्ट एंटीबायोटिक का उन्होंने डिस्कवरी करी। ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक तरह का फंगस है, ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये इटैलिक्स में नहीं है। तो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक इन्होंने सबसे पहले बनाया पेनिसिलियम नोटेटम से। आज की डेट में पेनिसिलिन को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से, एक और प्रजाति है पेनिसिलियम की जिससे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा व्यवहार वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर हुआ था। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज वाइडली यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन बच्चों धीमे धीमे देखा यह गया कि सारी डिजीजेस के लिए, जिन बैक्टीरियाज के लिए पेनिसिलिन पहले इफेक्टिव था, बाद में देखा गया कि कुछ के लिए इफेक्टिव बचा, कुछ के लिए नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं माइक्रोब, तो यह समझना बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट डेडली डिजीजेस लाइक प्लेग जैसी बीमारी, वूपिंग कॉफ, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, इस तरह की खतरनाक बीमारियों से निपटने के लिए एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है। ढूंढा जरूर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन नामकरण जो एंटीबायोटिक का टर्म कॉइन किया वो वॉक्समैन ने किया। वॉक्समैन एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम याद रखिए क्योंकि नीट में यदा कदा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने एंटीबायोटिक टर्म दिया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको लगता है कि भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा तो उन्होंने ही नाम भी दिया होगा, बट उन्होंने नाम नहीं दिया, वॉक्समैन ने नाम दिया था। और क्या ढूंढा था वॉक्समैन ने? ही डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड सेवरल अदर एंटीबायोटिक्स। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, काफी वाइड रेंज है इनका, तो ये समझना बहुत जरूरी। आज की डेट में 7000 से अधिक एंटीबायोटिक की खोज हो चुकी है, जिनमें एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस का आता है, जिससे अकेले स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से 40 एंटीबायोटिक बनती हैं, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। और बैसिलस सबटिलिस से सबसे अधिक 60 एंटीबायोटिक बनाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी स्पीशीज से सबसे अधिक एंटीबायोटिक बनती है, तो वो है बैक्टीरिया से, और वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस और बैसिलस। बैसिलस सबटिलिस 60 एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करता है। स्टार्ट हुआ था एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन फंजाई से, फंजाई के बाद देखा गया कि बैक्टीरियाज में भी होता, और सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक जो बनाते हैं वो बैक्टीरिया हैं जो फंजाई को रिसेंबल करते हैं, यानी कि इनका कॉम्पिटिशन भी फंजाई के साथ होता है। ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं? एक्टिनोमाइसिटिस, जिनको सॉयल बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, सॉयल बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, सॉयल बैक्टीरिया यानी कि एक्टिनोमाइसिटिस। हाइफा होता है, माइसेलियल होते हैं, ये फंजाई को रिसेंबल करते हैं, लेकिन है नहीं फंजाई क्योंकि ये मोनेरन्स हैं, ठीक है, तो ये मोनेरन्स हैं, तो वहां से ही प्रोडक्शन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, है ना। देन बैसिलस सबटिलिस सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है, यानी कि सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक बनाता है, 60 एंटीबायोटिक याद रखिएगा। नाउ एंटीबायोटिक दो तरह के हो सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है काफी तरह के पैथोजन को ये किल कर सकते हैं। इट कैन किल और डिस्ट्रॉय मेनी काइंड्स ऑफ पैथोजन, बहुत तरह के पैथोजन को वो एक ही जो है एंटीबायोटिक काम कर सकती है, कई तरह के पैथोजन, ठीक है। अमन
बिल्कुल आशीर्वाद है आप सभी का, वक्त अभी है, आप सेशन में आते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुक्ति, लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, एक तरह के स्पॉट पड़ जाते हैं स्किन में जहां पर सेंसेशन खत्म हो जाती है, यानी कि कुष्ठ रोग में जो स्पॉट पड़ते हैं अगर उनको टच किया जाए तो सेंसेशन नहीं मिलता है, सुई चुभाने से भी कई बार समझ में नहीं आता, तो ये बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो इसके ऊपर बहुत वर्क किया, बहुत से साइंटिस्ट ने इसको इरेडिकेट करने की कोशिश करी, इनफैक्ट सोशल वर्कर्स की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत बहुत मेहनत करी, उन्होंने उनके उपचार केंद्र बनाए, उनकी देखरेख की व्यवस्था करी। खैर, इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब है वाइड रेंज ऑफ पैथोजन को किल कर सकते हैं, और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन के अगेंस्ट ही काम करते हैं। तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स भी हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी हैं, दोनों तरह के एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। नाउ, एंटीबायोटिक्स के एक्शन कैसे होते हैं, करते क्या हैं, ये बैक्टीरिया को कैसे किल करते हैं। एंटीबायोटिक्स कुड बी बैक्टेरिसाइड, यानी कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बैक्टेरिसाइड, या बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, दोनों तरह से काम करते हैं, या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देंगे, मार देंगे, या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। तो अब चलिए टाइप्स ऑफ एक्शन देखते हैं, कौन कौन सा कैसा कैसा एक्शन कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है डिसरप्शन ऑफ वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देते हैं, सबसे प्राइमरी वाले यही करते थे, पेनिसिलिन की जो प्रॉपर्टी ढूंढी गई वो यही करता था, वॉल सिंथेसिस नहीं होने देता था बैक्टीरिया की वॉल, ठीक है। सिफेलोस्पोरिन, ये भी वॉल सिंथेसिस नहीं होने देते, बैक्टीरियल वॉल, बैसिट्रेसिन, ठीक है। देन सेकंड है डिसरप्शन ऑफ प्लाज्मा लेमर रिपेयर एंड सिंथेसिस, पॉलीमिक्सिन नामक जो एंटीबायोटिक है, पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक क्या करते हैं, प्लाज्मा लेमा का रिपेयर नहीं होने देते बैक्टीरिया में, एक तो ये हो गया। कुछ और हैं जो 50S राइबोसोम के फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन जो 50S राइबोसोम है, राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट है बैक्टीरिया में पाया जाएगा, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। नाउ, इनिशिएशन ऑफ 30S राइबोसोम फंक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन करता है और नियोमाइसिन करता है। इनहिबिशन ऑफ tRNA बाइंडिंग टू राइबोसोम, इसको भी करते हैं टेट्रासाइक्लिन, tRNA को राइबोसोम के साथ बाइंड ही नहीं होने देते। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि देख लीजिए कहीं पर tRNA नहीं अटैच हो पा रहा, कहीं पर ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा, कहीं पर राइबोसोम, यानी कि बैक्टीरिया अपना प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं जो पैथोजेनिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करेंगे, इन चीजों के ऊपर रोक लगा दी गई, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, एंटीबायोटिक के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। एंटीबायोटिक शुड बी हार्मलेस टू होस्ट एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ये होस्ट के लिए हार्मलेस होने चाहिए और किसी भी साइड इफेक्ट से युक्त ना हो, ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, ज्यादातर एंटीबायोटिक में ये मिलता है। इट शुड बी हार्मलेस टू नॉर्मल माइक्रोब ऑफ द गट, जो नॉर्मल माइक्रोब हैं उनके लिए भी ये हार्मलेस होने चाहिए, हार्मफुल होने से उनका सफाया हो जाएगा, हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ए वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस, ठीक है, एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ए वाइड रेंज ऑफ पैथोजन, बहुत तरह के पैथोजेंस को वो नष्ट कर सके, एंड स्टार्ट गिविंग फास्ट एक्शन। अब एक चीज मैं यहां पर बताता हूं, कुछ बच्चों को ये समझने में जरूर दिक्कत आई होगी कि ये प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, वॉल सिंथेसिस क्या है। तो बच्चों, वॉल सिंथेसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेल चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया के ऊपर एक सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, उस सेल वॉल का अगर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया मारा जाएगा। अगर वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो पानी ज्यादा हो गया तो बैक्टीरियल सेल बस्ट भी कर जाता है, इस तरह से डैमेज हो जाएगा। अच्छा, प्लाज्मा लेम्मा रिपेयर और सिंथेसिस, यानी कि जब सेल डिवाइड करेंगे तो प्लाज्मा लेम्मा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका सिंथेसिस होना चाहिए नए सेल के लिए, उसको रोक देगा तो जाहिर सी बात है वो काम रुक जाएगा बैक्टीरिया का। इसके अलावा राइबोसोम के फंक्शन को अगर अटका दे, उसको बीच में रोक दे, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन करता है, बहुत तरह के। अब ध्यान दीजिए, ये राइबोसोम 50S और 30S राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक हैं, ये यूकैरियोटिक हैं राइबोसोम, है ना। अगर आप देखें दोनों को मेजर करें तो 50S और 30S कितना होता है 80S, लेकिन एक्चुअल में 50S और 30S होता तो 80S है, लेकिन उसका जब टोटल सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकाला जाता तो वो 70S आता है, इसलिए ये बैक्टीरियल राइबोसोम ही हुए।
समझ में आई बात, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चों ने लिखा कि भाई 50S और 30S है तो 80S हो जाएगा, 80S नहीं होता है। 50S लार्जर सब यूनिट, 30S स्मॉलर सब यूनिट, और दोनों को अगर एक साथ मिला करके इनका सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट देखा जाए तो वो 70S आता है, जिसके बारे में मैंने सेल चैप्टर में आपसे जिक्र किया हुआ है, सारी चीजें बताई हुई है इसके बारे में। तो ये समझ में आ गया कि भाई अगर 50S राइबोसोम को काम नहीं करने देगा तो भी अटक जाएगा, कुछ भी उसमें ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, कोई प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, या 30S स्मॉलर सब यूनिट के साथ भी अटक गए तो भी दिक्कत हो गई, है ना, या फिर जो tRNA आ रहा है राइबोसोम के साथ आकर के बाइंड करेगा, एक एक अमीनो एसिड को लेकर के आता है, उसको इनहिबिट कर दिया, उसको रोक दिया, या फिर ट्रांसलेशन को ही रोक दिया, यानी कि सब कुछ हो रहा है लेकिन ट्रांसलेशन प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जो एडिशन साइट आपने पढ़ा, पी साइट पढ़ा जहां पर इलोंगेशन होता, ई साइट पढ़ा एग्जिट होता है, इसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सेल चैप्टर को एक बार जरूर रेफर करें, हमने पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा सेल चैप्टर, ढंग से पढ़िए क्योंकि यहां पर बैक्टीरियल सेल के बारे में चर्चा हो रही है। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी कि एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी कैसी कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, इट शुड बी हार्मलेस टू द होस्ट और साइड इफेक्ट ना हो। दूसरा, नॉर्मल माइक्रोब को नुकसान ना पहुंचाए गट में, जैसे ई कोलाई वगैरह है। एंड इट शुड हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय वाइड रेंज ऑफ पैथोजन, जितने भी डिजीज प्रोड्यूसिंग है सबको कर दिया जाए। साहिल फिर पूछ रहे हैं सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट डिटेल में, तो साहिल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट देखने के लिए यूट्यूब पर ही मेरे द्वारा पढ़ाया गया सेल ऑर्गेनल्स में जा करके राइबोसोम के फंक्शन को डिटेल में देख लें, आपको सब समझ में आ जाए, क्योंकि उसके लिए मुझे काफी वक्त बर्बाद करना पड़ेगा और ये चैप्टर जो चल रहा है इसमें व्यवधान पड़ेगा, तो जो चीज जहां रेलिवेंट है वहां से जरूर देखें, और पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपके साथ रहती है। And it should be start giving action very fast. Now, resistance to antibiotic, एक बड़ा important term है। Antibiotics के usage में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, antibiotic के लिए ये resistant develop कर लेते हैं। Pathogen develop resistance to existing antibiotic after some time. इसके लिए नए नए एंटीबायोटिक का production होते रहना चाहिए। इसी वजह से आप समझ ही सकते हैं 7000 से अधिक antibiotic क्यों ढूंढे गए, क्योंकि उनकी जरूरत है, उतने एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। अब रेजिस्टेंस कैसे बनता है, तो द रेजिस्टेंस डेवलप इन द जीन्स प्रेजेंट इन द प्लास्मिड एंड कैन पास टू अदर बैक्टीरिया। इन रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात करी हुई है, जेनेटिक्स में भी बात करी हुई है चैप्टर में, वहां पर भी रेजिस्टेंस का जिक्र होता है। बायोटेक्नोलॉजी में भी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, इनफैक्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में भी हम बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस देखते हैं उनमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा हुआ है, जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी बैक्टीरिया जिसके अंदर रेजिस्टेंस आ चुका है वो F- बैक्टीरिया या F+ बैक्टीरिया, फर्टिलिटी फैक्टर जिसमें F- या F+ होता है, उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं अपने जीनोम के अंदर हुए चेंजेस को, ठीक है। सो दे कैन ऑल्टर द कॉम्पोजिशन ऑफ द देयर सेल मेम्ब्रेन, अपने सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन चेंज कर लेते हैं, कुछ तो म्यूसिलेज ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं या एंटीबायोटिक केमिकल्स को भी मॉडिफाई कर देते हैं। तो बैक्टीरिया के पास ये व्यवस्था होती है कि वो क्या करता है, अपनी बचाव में कई बार म्यूसिलेज की एक मोटी सी लेयर अपने ऊपर डेवलप कर लेता है, या फिर एंटीबायोटिक का जो केमिकल है उसके नेचर को ही चेंज कर दिया, अब क्या करेगा एंटीबायोटिक। तो नाउ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक करते कैसे, एंटीबायोटिक बनाए कैसे जाते हैं, ये भी समझना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चर कहां पर होती है, स्टेरिलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम में, ऑप्टिमम पीएच, एरेशन ऑक्सीजन देना पड़ेगा, एयर देना पड़ेगा, टेम्परेचर, एंटी फोमिंग एजेंट, याद आ गया वो अभी जो मैंने आपको फर्मेंटर दिखाया, मैंने जो फर्मेंटर यूनिट दिखाया था उसमें ये सब कुछ था, ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन करेगा, एरेशन को मेंटेन करेगा, टेम्परेचर, एंटी फोमिंग एजेंट, इन सारी की सारी चीजों को वहां पे कंट्रोल किया जा सकता। एक बार जैसे सफिशियंट एंटीबायोटिक बन गई तो माइक्रोब्स को वहां से सेपरेट कर लिया जाता है और एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड पैकिंग होती है, तो इट इज देन प्यूरिफाइड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड पैक्ड, ये सारी की सारी चीजें कर ली जाती हैं। आई बात समझ में, तो माइक्रोब्स को इस तरह से ग्रो कराया जाता है और उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। नाउ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड कहां कहां से प्रोड्यूस होते हैं, कुछ तो हमने देख लिए, कुछ और देख लेते हैं। लाइकेन से भी प्रोड्यूस किए जाते हैं,
फंजाई से बनाए जाते हैं, यू बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं और एक्टिनोमाइसिटेस इनसे भी बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप से कौन कौन सा बनता है एक बार देख लेते हैं। लाइकेन से के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एंटीबायोटिक है उस्निक एसिड। उस्निक एसिड, उस्निक एसिड कौन से लाइकेन से बनाया जाता है, लाइकेन का नाम है उस्निया एंड क्लेडोनिया। क्लेडोनिया को रेनडियर मॉस भी कहते हैं, इसके बारे में हमने जिक्र किया हुआ है लाइकेन, है ना। तो उस्निया और क्लेडोनिया ये दो तरह के लाइकेन हैं जिनमें उस्निक एसिड निकाला जाता है। यू बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाने वाला एंटीबायोटिक कौन सा है, तो यू बैक्टीरिया में से काफी सारे निकाले जाते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैसिलस, बैसिलस सबटिलिस। अभी बताया कि 60 से अधिक एंटीबायोटिक वहां पर पाए जा सकते हैं। स्यूडोमोनास, और स्यूडोमोनास से भी बड़े सारे एंटीबायोटिक पाए जाते हैं। ये स्यूडोमोनास तो सुपर बग के रूप में भी डेवलप किया गया है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा पेट्रोलियम ऑयल स्लिक वगैरह में पेट्रोल तक को डिग्रेड कर देता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तक को डिग्रेड कर देता है, तो स्यूडोमोनास बड़े काम का है। नाउ फंजाई पेनिसिलियम क्या बनाता है, पेनिसिलिन पैटुलिन ग्रिसियोफुल्विन इस तरह के एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से पाए जाते हैं। मेराइन फंगस सिफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम सिफेलोस्पोरिन को बनाता है। एस्परजिल्लस क्लेवेटस सिट्रिनिन एंड क्लेविसिन नामक एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करता है, इनके नाम याद रखिएगा। और फेमस एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाया जाता है एक्टिनोमाइसिटिस से, एक्टिनोमाइसिटिस में स्ट्रेप्टोमाइसिस आते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लोरमफेनिकॉल टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाए जाते हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक एंड मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स भी हैं, एम्पीसिलीन और ऑक्सैसिलीन। एम्पीसिलीन इज अ सेमी सिंथेटिक और मॉडिफाइड एंटीबायोटिक, तो देख लीजिए कौन कौन से बनाते हैं। पेनिसिलिन किससे बनता है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम पेनिसिलियम नोटेटम, मैंने आपको बताया। ग्रिसियोफुल्विन पेनिसिलियम ग्रिसियोफुल्वम, नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिए, बैसिट्रेसिन बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, देन क्लोरमफेनिकॉल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएले, है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही, ठीक है। देन टेट्रासाइक्लिन, ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियन से डेवलप किया जाता है, तो इनके नाम भी अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है। नाउ बात करते हैं, अच्छा एंटीबायोटिक के नाम याद रखना और भी जरूरी है आप सब के लिए, क्यों जरूरी है, क्योंकि आप सब डॉक्टर बनने जो जा रहे हैं, इनको अभी से याद करते चलिए, एमबीबीएस में आपको ये चीज बड़ी ईजी मिलेगी, क्योंकि आपको पहले से इन चीजों के बारे में जिक्र होगा, पता होगा। इसी सीरीज में देखो, कल आप लोगों के लिए 3 बजे शाम को मैं एक सेशन लेकर के आ रहा हूं कि दांत को निकाल के आंख में लगा दिया जाए, ये भी एक तरह का ऑपरेशनल प्रोसीजर है जो ऑपरेट करके दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि देने का बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो उस ऑपरेशन के बारे में आप लोगों को शायद पता हो शायद नहीं पता हो, तो कल 3 बजे अनअकैडमी नीट चैनल पर जरूर आइएगा, हम डिस्कस करेंगे बड़े ही अनोखे प्रोसेस के बारे में जिसमें दांत को निकाल के आई में लगा दिया जाता है, टूथ इन आई सर्जरी, ठीक है। नाउ केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ लेते हैं। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर फंक्शनल इन लिविंग सिस्टम, है ना, और लिविंग सिस्टम में उनके जो कॉम्पोनेंट है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल यानी कि ये अलग अलग टाइप के केमिकल होते हैं जो ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और अलग अलग हिसाब से वर्क करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम तो आप जानते ही हैं कि एंजाइम एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, लेकिन बड़े सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं जिनको या तो हम मेडिसिन में यूज करते हैं या तो फिर हम उनको कई ऐसी चीजों में करते हैं जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं बच्चों, आज की डेट में माइक्रोब को ग्रो करा करके, बैक्टीरिया को ग्रो करा के कुछ फैब्रिक बनाए जाते हैं जिनसे कपड़े बनाए जा सकते हैं, तो फैशन इंडस्ट्री में भी इनका बड़ा योगदान है। तो ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, दवाइयों में यूज करते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव में यूज होते हैं, एंजाइम भी बनते हैं, एंजाइम तो बड़े काम के हैं, एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। अब ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं इनके बारे में जानकारी ले ली जाए। नाउ क्वाइट अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब, बहुत तरह की ऑर्गेनिक एसिड्स बनाई जाती हैं माइक्रोब्स को यूज करके। एक ये देख लीजिए फैक्ट्री सेटअप है, यहाँ पर फ्रूट जूसेस निकाले जाते हैं, फ्रूट जूस जो कि
आप घर में भी जूसर में जूस निकाल सकते हैं, उसके लिए देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ती है, कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। देख लीजिए किस तरह से मौसमी का जूस निकाला जा रहा है, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसकी क्लियरिंग होगी, उसको फिर प्रोसेस करके स्टोर किया जाएगा, पैक किया जाएगा, ये सारा का सारा प्रोसेस देखने को मिलता है। एसिटिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड बहुत से कामों में ली जाती है, विनेगर के नाम से भी जाना जाता है एसिटिक एसिड। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेड एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी, विनेगर को बनाने के काम में आती है। एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल यूसेज भी है और घर में हाउस होल्ड में भी यूज किया जाता है, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटी इसको बनाने के काम में लाया जाता है। दिस ऑर्गेनिक एसिड इज यूटिलाइज इन फार्मास्यूटिकल, दवाइयों में यूज किया जाता है, कलरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड प्लास्टिक्स बनाने में भी इसका योगदान होता है। तो ये रहा सिट्रिक एसिड तो आप जानते ही हैं, सिट्रिक एसिड खट्टी होती, बिल्कुल एसिड तो सारी खट्टी होती है लेकिन सिट्रिक एसिड में कुछ ज्यादा ही खटास होती है, लेमन में पाई जाती है सिट्रिक एसिड। इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ एस्परजिल्लस निजेर, मेन जो है वो एस्परजिल्लस निजेर के थ्रू बनाया जाता है, म्यूकर भी इसको सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर सकता है। तो एस्परजिल्लस निजेर म्यूकर इस तरह के फंगस को यूज करके शुगरी सिरप के ऊपर इसको बनाया जाता है। अब इसको किस किस काम में लिया जाता है, तो बच्चों डाइंग में, डाइंग इंडस्ट्री जहां पर कपड़ों के ऊपर कलर किया जाता है उन इंडस्ट्रीज में इसका बड़ा योगदान है, डाइंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एनग्रेविंग का मतलब है एक तरह का केमिकल इम्प्रिंट छोड़ना, मेडिसिन में भी यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड, विटामिन सी का प्रीकर्सर है आप समझ ही सकते हैं, इंक में यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड कैंडीज, फूड सब्सटेंसेस में सिट्रिक एसिड डलता है, सॉस में डलता है, कैंडीज में डलता है, जिससे ये खराब नहीं होते। तो ये है सिट्रिक एसिड, इसका प्रोडक्शन भी आपने देख लिया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैरिड आउट बाई बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस से भी बनाया जाता है, और राइजोपस नामक फंजाई भी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। लैक्टिक एसिड बड़ा फायदेमंद होता है, लैक्टिक एसिड हमारे अगर मसल्स में डिपॉजिट हो जाए तो मस्कुलर क्रैम्प हो जाते हैं, अदरवाइज इसको मेडिसिन में यूज किया जाता है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कई प्रोबायोटिक ड्रिंक आते हैं जिनके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारे गट के लिए अच्छे माने जाते हैं, उनमें माइक्रोब्स भी होते हैं। ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एस्परजिल्लस निजेर, और पेनिसिलियम की भी स्पीशीज को यूज किया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट को कैल्शियम सोर्स फॉर इन्फेंट काउज एंड लैक्टेटिंग मदर को दिया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट छोटे बच्चों को दिया जाता है कैल्शियम बढ़ाने के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स को भी, प्रेग्नेंट लेडीज को भी जो कैल्शियम दिया जाता है उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। इनफैक्ट काउज वगैरह तक को दिया जाता है जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स हैं, तो आप समझ ही सकते हैं ग्लूकोनिक एसिड काफी काम का है। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसमें बच्चों आपको याद ही रखना है, इसमें कोई ऐसी बड़ी डिफिकल्ट चीजें नहीं है लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रोटीएजेस ये प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे, प्रोटीन अगर है किसी सब्सटेंस में और प्रोटीएज डाल दिया तो प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारे स्टमक में ट्रिप्सिन और पेप्सिन होते हैं ये भी एक तरह के प्रोटीएज हैं। जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, और पॉलीपेप्टाइड को भी ब्रेक कर देते हैं। किस किस काम में लिए जाते हैं, क्लियरिंग ऑफ बियर की क्लियरिंग, क्रिस्टल क्लियर हो जाए उसमें अगर प्रोटीन होंगे तो वो डिग्रेड हो जाएंगे। विस्की, एनिमल हाइड चमड़े फैक्ट्रीज में एनिमल की स्किन को निकाल करके चमड़ा फैक्ट्री जहां पर लेदर के प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर भी एक्स्ट्रा प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए कोलेजन प्रोटीन हो गया या एनिमल बॉडी का कोई प्रोटीन उस हाइड में है उसको क्लियर करने के लिए प्रोटीएजेस का इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड एंड मीट, ब्रेड और मीट, मीट की कुकिंग हो रही है, मीट काफी हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं हो रहा, प्रोटीएज डाल दिया गया तो सॉफ्ट कुक हो गया। डिटर्जेंट में भी डाला जाता है प्रोटीन स्ट्रेन के लिए, यानी मान लीजिए कहीं पर नॉन वेज फूड खा रहे हैं लोग, उसमें ग्रेवी है जिसके अंदर प्रोटीन तो होगा ही, अगर उस ग्रेवी का निशान लग जाए कपड़ों में तो वो जल्दी छूटता नहीं है, है ना, तो इसमें अगर आप प्रोटीएजेस युक्त डिटर्जेंट को यूज करें तो वो निशान भी मिट जाते हैं, राइट। नाउ स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर और TPA।
स्ट्रेप्टोकॉकस से ऑब्टेन किया जाता है, ये क्लॉट बस्टर का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आर्टरीज में एक तरह का ब्लड क्लॉट या इस तरह का कुछ प्लाग जैसा डिपॉजिट हो गया तो उसको ब्रेक करने का काम करता है, क्लॉट बस्टर, कहीं क्लॉट। स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन हार्ट अटैक आए हुए पेशेंट्स को भी लगाया जाता है। कई बार हार्ट अटैक की वजह होती है कि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, जिस ब्लॉकेज की वजह से ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाने से वो ब्लॉक हट जाता है, क्लॉट बस्टर के रूप में यूज होता है। एंड ऑल्सो क्लियरिंग ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल, अगर ब्लड वेसल के अंदर कहीं पर क्लॉट हो गया है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज बड़े काम का है, टिश्यू प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर या टीपीए। पेक्टिनेज के बारे में बात कर लेते हैं, पेक्टिनेज क्या होता है? पेक्टिनेज पेक्टिन को डिग्रेड करेगा। पेक्टिन कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल के बीच में, प्लांट सेल वॉल के बीच में पेक्टिन पाया जाता है, कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता है, जिसको सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि पेक्टिन की प्रेजेंस की वजह से जो दो एडजेसेंट सेल्स है उनके बीच में सीमेंटिंग रहती है, अगर पेक्टिनेज डाल दिया गया तो वो सीमेंटिंग मटेरियल गायब हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसको किस किस काम में लिया जाता है? फ्रूट जूस की क्लियरिंग, है ना, प्रोटीएजेस और पेक्टिनेजेस दोनों के द्वारा फ्रूट जूसेस की क्लियरिंग करी जाती है। फाइबर रेटिंग, फाइबर निकालना है तो फाइबर की रेटिंग में फाइबर इजिली पील ऑफ हो जाता है, अगर पेक्टिनेजेस को मिला दिया तो फाइबर इजिली पील ऑफ हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़े सारे चैप्टर्स का मिश्रण है, बिल्कुल बच्चों, इसमें बहुत सी चीजों का मिक्स है इस चैप्टर में। अब फाइबर रेटिंग के बारे में हम कहां बात करते हैं, आप सोचिए कि जब हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में, प्लांट एनाटॉमी में, तो वहां पर हम बास्ट फाइबर के बारे में बात करते हैं जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, वुड फाइबर के बारे में बात करते हैं जो जाइलम फाइबर होते हैं। तो फाइबर रेटिंग, हम प्लांट पार्ट को रेटिंग करते हैं, यानी कि उनको सड़ाते हैं पानी में डाल करके, जब वो सड़ जाते हैं सॉफ्टर पार्ट तो पील ऑफ किया जाता है उनके फाइबर्स को, तो वहां पर पेक्टिनेजेस डालने से आसानी से पील ऑफ किया जा सकता है। फिर बात करें लाइपेजेस के बारे में, जो लिपिड को डिग्रेड कर देते हैं, लिपिड डिसॉल्विंग एंजाइम, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम कैंडिडा लिपोलिटिका एंड जियोट्राइचम कैंडिडा, ठीक है। डिटर्जेंट में लाइपेजेस मिलाए जाते हैं, ये ऑयली स्टेन को रिमूव कर देते हैं डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक हमारा यहीं तक पढ़ते हैं, कुछ पोर्शन रहता है कल करेंगे, लेकिन अब बारी है हमारी अनअकैडमी क्विज को करने की। मैंने आपसे कहा था कि 10 क्वेश्चन मैं आपको इसी चैप्टर के ऊपर दूंगा विद अ चैलेंज कि आप देखते हैं कितना याद रख सकते हैं, कितनी चीजों को दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और पोर्शन है जिसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर क्विज करने जा रहे हैं, अनअकैडमी क्विज, मैं आपके साथ कोड शेयर करूंगा, प्रोसेस आप जानते हैं। आज मैं आपको लाइव नहीं दिखाऊंगा अपने फोन की मैपिंग करके, मैं आपको सिर्फ कोड शेयर करूंगा। तो पहला काम है गो टू प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, प्लस सिलेक्ट करें नीट यूजी, उसके बाद टेस्ट का बटन आएगा, सो यू विल गेट अ बटन ऑफ टेस्ट हियर, बॉटम में देखेंगे अगर आप तो टेस्ट का एक बटन दिखाई देगा, यहां पर क्लिक करना होता है। यहां पर क्लिक करने के बाद ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आएगा बच्चों, ज्वाइन क्विज, जैसे ही ज्वाइन क्विज पर आप क्लिक करते हैं तो फिर एक 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा आपसे, जो कि मैं आपके लिए 1 मिनट में जनरेट करने वाला हूं, सेशन को खत्म करने से पहले कोड आपको दे करके आगे बढ़ेंगे। ये रहा दीपक सर की क्लासेस का स्केड्यूल, मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11th की बारी, तो क्लास 11th के लिए जो यूट्यूब सेशन स्टार्ट होते हैं वो महेंद्र सर आपके माही भैया स्टार्ट करते हैं 4 बजे शाम को फिजिक्स, फिर सीप मैम 5 बजे शाम को बायोलॉजी में आपके साथ जूलॉजी के पोर्शन डिस्कस करती है, 6 बजे शाम को अनूप सर आते हैं केमिस्ट्री डिस्कस करने आपके समक्ष, 7 बजे मेरी बारी होती है तो मैं आता हूं बॉटनी के पोर्शन आपके साथ क्लियर कराता हूं, 8 बजे अनुगुप्ता सर फिजिक्स कराएंगे, और फिर 9 बजे अनुप वशिष्ठ सर आपके सेशन को विराम देंगे। संडे इज द डे फॉर मोटिवेशन, थर्सडे टू सैटरडे वही सेम स्केड्यूल फॉलो होता है, और मेरा टाइम टेबल वही शाम 7 बजे है, तो आपको शाम 7 बजे जरूर आना। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना भी बड़ा आवश्यक है, टेलीग्राम ऐप को करें इंस्टॉल, देन गो टू द ब्राउजर एंड टाइप livedaily.me/chat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। livedaily.me/neet एक और बड़ा बेहतरीन फीचर, इस फीचर के थ्रू आपको सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स आपको हमारे देखने को मिलते हैं, ये बड़ा जरूरी है, आपको प्रीवियस लेक्चर भी देखने चाहिए अगर कुछ मिस हुआ है,
Unacademy subscription, country ka best learning platform. You can interact with us, live poll leaderboard, test series analysis, live doubt clearing session. इसके बारे में हमने आपको बहुत से सेशन में हमेशा हम बताते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उम्दा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको जानकर के खुशी होगी कि हमने एक और इसमें अपग्रेड किया है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आया है। लेकिन जिन बच्चों ने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनको वो सारे फीचर मिलते रहेंगे जो अब तक मिलते रहे हैं। किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, उसमें कुछ चीजें एडिशनल हैं। तो जिनको अगर ऐसा लगता है कि आपको पर्सनलाइज्ड कोचिंग की आवश्यकता है तो आप जुड़ सकते हैं। बच्चों, हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है, तो इन बैचेस के साथ जुड़े, अपनी तैयारी और उम्दा करें, ठीक है। नाउ करना क्या है, बड़ा सिंपल है। प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है। प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है बच्चों, तो जिनको जुड़ना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ और मेरे बैचेस में जुड़ना है, वो यूज करें कोड प्रदीप लाइव। इनफैक्ट आप हमारी पूरी की पूरी टीम के साथ जुड़ते हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं तो, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर पर जाकर के प्लस सिलेक्ट करिए, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए और फिर ये विंडो, यहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर लीजिए। 9th 10th 11th के बच्चों के लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही बेहतर रहता है। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। बच्चों, जिस तरह से किसी जटिल ऑपरेशन को करने के लिए सर्जन्स की पूरी टीम की आवश्यकता होती है, इसी तरह से नीट को क्लियर करने के लिए आपको हमारी पूरी टीम की आवश्यकता है और पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव और जुड़ जाइए हमारे सारे बैचेस के साथ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में हमने चर्चा करी हुई है। अगर आपको पर्सनल कोच, कई बार होता है कि बच्चों को लगता है कि हमें और ज्यादा पर्सनलाइज्ड जरूरत है, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जुड़ सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ अनअकैडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, बेल आइकन को हिट करिए, #NEETLiveDaily पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। अब बारी है आपके साथ कोड शेयर करने की, जो टेस्ट के लिए मैं आपको 10 क्वेश्चन देने जा रहा हूं और मैं 40 सेकंड का टाइमर दूंगा, उसके पीछे का लॉजिक भी सुन लीजिए। 40 सेकंड के टाइमर में आपको रीड करने का पूरा मौका मिलता है क्वेश्चन को, आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, 40 सेकंड वैसे ज्यादा होता है, तो इतने ज्यादा टाइम में ना करके आपको धीमे धीमे कोशिश करनी है कि स्लोली इस काम को करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ अब जा रहा हूं कोड शेयर करने। ये रहा देयर यू गो। सो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है ना, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर पूरे के पूरे यूनिट से कर रहा हूं, इन ह्यूमन वेलफेयर जनरल क्वेश्चंस हैं, आप एक बार देखें और आपको आइडिया लगेगा करने का। बहुत जरूरी है बच्चों, इन क्वेश्चंस को करना आवश्यक है। बस अब आपके लिए कोड जनरेट होता हुआ, ठीक है, कोड जनरेट हो रहा है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड बच्चों, अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी 9th 10th 11th 12th ऑल आर आवर सिस्टर चैनल्स, सो टुगेदर लेट अस क्रैक इट। एंड फॉर ज्वाइनिंग विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूज कोड प्रदीप लाइव, 10% डिस्काउंट मिलता है, मेरी गाइडेंस में आ जाते हैं डायरेक्टली। अब बात करते हैं कोड की। सो द कोड फॉर टुडे इज गोइंग टू बी, ये लीजिए कोड आपका, मैं आपके साथ कोड शेयर कर देता हूं, 8 6 3 3 7 0। सो दैट्स द कोड फॉर टुडे, 8 6 3 3 7 0। फटाफट जुड़ जाइए, जैसे ही कुछ बच्चे जुड़ जाते हैं मैं क्विज को स्टार्ट कर दूंगा। 8 6 3 3 7 0, बड़ी तेजी के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, वेरी गुड, 8 6 3 3 7 0। और मैं अब काउंटडाउन स्टार्ट करता हूं, जैसे ही 10 काउंटडाउन करेंगे उसके बाद मैं आपके साथ कोड शेयर तो कर ही चुका हूं, क्विज को स्टार्ट कर, ठीक है। लेट मी सी कितने बच्चे जुड़ पाते हैं। और जो बच्चे पहली बार आज आए हैं YouTube पर, बच्चों आप अगली बार के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हर एक सेशन के बाद मैं ये कोड जरूर डिस्कस करता हूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कल हमारे स्पेशल क्लासेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि संडे को जो टेस्ट है आपका उसके लिए प्रैक्टिस सेशन कल करा रहा हूं। मेरी स्पेशल क्लास है सुबह 10 बजे से 11 बजे और 3 बजे से 4 बजे, अनोखा सेशन सर्जरी के ऊपर।
चलिए, वेरी गुड, 60 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, सो लेट मी स्टार्ट द काउंटडाउन। कोड है 863370। क्या बात है, 75 से ज्यादा बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत तेजी के साथ जुड़े, 80 बच्चे जुड़ गए हैं। मैं काउंटडाउन स्टार्ट ही कर देता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। 95 बच्चे जुड़ चुके, 5 बच्चे और जुड़ जाए, 100 बच्चे हो जाए तो मैं स्टार्ट कर दूं। 96 स्टूडेंट्स हैव जॉइन। ये देख लीजिए, सारा दिखाई देता है किस तरह से स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है। 98, 98, 98, 98, 2 बच्चे और फटाफट। 99 हो चुके हैं, 100 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इनफैक्ट 102 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन, आपको चैलेंज मिलना बहुत जरूरी है। अभी भी जुड़े ही जा रहे हैं बच्चे, 107 बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं अब स्टार्ट कर देता हूं, आपने काफी टाइम दिया मैंने आपको, है ना। आप बीच में भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्विज स्टार्ट होने के बाद भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये लो जी, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आप देखें, इन द मीनवाइल 110 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। 5, 4, 3, 2, 1, देयर यू गो। आपके समक्ष क्वेश्चंस आ चुके हैं। एंजॉय डूइंग द क्वेश्चंस। सी यू ऑल अगेन इन द